वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक आपका नरेशन स्टार्ट कर रखा था। उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स थे वो आपको बता दिए थे। उसके बाद में और आपके कुछ रूल्स है वो देखिए। रूल्स एसोसिएटेड विद चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको कुछ प्रोनाउंस मिल जाते हैं तो आप उसे कैसे चेंज करते हैं। देयर आर थ्री पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के आपके तीन पर्सन है वो देखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, एक्टिव पैसिव में पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकेंड पर्सन कौन सा होता है और आपका थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तीन पर्सन होते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए, चेंज इन प्रोनाउंस, कैसे प्रोनाउंस में क्या होगा, चेंज होगा इसमें डायरेक्ट से। जब हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, सेंटेंस चेंज करेंगे तब। आपके पर्सन तीन होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी। आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ये क्या होते हैं बेटा, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, देखिए तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है और इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होंगे। आई का किस में चेंज होता है, मी में, वी का अस में, ठीक है। यू का यू रहता है, नो चेंज। शी ही शी इट दे का, ही का किस में चेंज होता है, हिम में। शी का हर में, इट का इट ही रहता है और दे का देम में, ओके। अब देखिए इनकी पॉजिटिव एंड वोकेटिव फॉर्म, इनकी पॉजिटिव और वोकेटिव फॉर्म में कैसे चेंजमेंट होता है वो देखिए। आई का अब देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो मी होता है और इनकी पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, माई और माइन होता है, ठीक है। वी का क्या होता है, अवर और अवर्स होता है। यू का क्या होता है, योवर और योवर्स। ही का हिस, शी का हर, हर्स। इट का इट्स, दे का देयर और देयर। ये आपकी पॉजिटिव एंड वोकेटिव फॉर्म है। जब आपको डायरेक्ट स्पीच में आपको ये चीज़ें मिलती है तो हम इनडायरेक्ट में जब हम उनके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो ये आपको पॉजिटिव फॉर्म में भी आपको चेंज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया है आपको अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल करने से पहले आप एक चीज़ सुनिए, एक ट्रिक है। जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, एस ओ एन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज, ओके। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन मिलेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन मिलेगा वो नो चेंज, ओके। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन आपको मिलेगा तब आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ये बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो मिलेंगे आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। और आपको चेक किस में करना है, ये करना है आपको, देखना किस में है, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको देखना है। ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे आपको फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, आपको देखना है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब मैं ये आपको एग्जांपल्स में भी बताऊंगी, ठीक है। आपको ये रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, फिर चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। थर्ड पर्सन आया है तो नो चेंज करना है, ओके। समझ में आ गया अच्छे से। नाउ एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सीता सैड आई रीड माय बुक डेली। यहाँ पे देखिए सीता क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको ये बात भी पहले बताई थी कि अगर जिस
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, तो वहां पे साइड का साइड ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। हम ऑब्जेक्ट अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो हम सीता साइड की जगह क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम का सेम रहता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो देखिए हम कैसे चेंज करेंगे इसको, देखिए सीता सैड इन्वर्टेड कोमा यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इनकी जगह क्या आ जाता है बेटा, डेट आता है, डेट। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। मैंने किस क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता क्या है, लड़की, मतलब शी आएगा, शी। समझ में आई ये बात। हमने क्या देखा, आई देखा, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने अभी बताया था किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता की क्या है, लड़की, तो ये किसके आएगा यहाँ पे, शी। रीड की कैन फॉर्म भी क्या होती है, रेडी होती है, रीड। अब देखिए बेटा आई की पॉजिटिव क्या है, माई, माई है, और शी की पॉजिटिव क्या है, अभी भी बताया था मैंने उस चार्ट में आपको, शी की पॉजिटिव क्या है, हर बुक डेली, हर बुक डेली। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ये सेंटेंस अच्छे से। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अब देखिए बेटा यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, सेड टू क्या है, वर्ब है, मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपकी है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, आपकी रिपोर्टेड, ये आपकी रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए हम डायरेक्ट से किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। अब देखिए चेंज करते हैं, तो मैंने बताया था जब आपको रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप सेड टू को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में चेंज करोगे। देखिए ही टोल्ड मी, सेड टू क्या हो गया, ऐसे रिमूव हो गया और टोल्ड आ गया, ही टोल्ड मी डेट, इन्वर्टेड कोमा यहाँ से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, इनकी जगह क्या हो गया, डेट आ गया। व्यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, व्यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, मी, क्या है, मी है, तो मी का मैंने क्या बताया था किस में चेंज होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आई आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। अब आई के साथ में यू के साथ में आर आता है, तो आई के साथ में क्या आएगा, एम, क्या आएगा, एम हैप्पी, एम हैप्पी। समझ में आ गया, दोबारा सुन लीजिए, ही टोल्ड मी डेट, ठीक है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पे, मी है, तो मी का किस में चेंज होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, आई मी, आई एम हैप्पी। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल्स है वो भी आप देखिए ध्यान से, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन्स, ओके। एग्जाम्पल क्या है आपका, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, क्या है, डायरेक्ट का सेंटेंस है, अभी मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करना है, वैसे ही आपको क्या करना है, चेंज करना है। आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे एग्जाम में भी जो कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट आपका यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, तो देखिए बेटा यू सेड, यहाँ पे देखिए यू सेड के आगे क्या है, नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो देखिए बेटा हम चेंज करते हैं इसको, यू सेड, इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पे, है, ये रिमूव हो जाएंगे, इनकी जगह क्या जाएगा, डेट आएगा, तो यू सेड डेट। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, एस ओ एन सन से देखते हैं, एस ओ एन से देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का, ठीक है,
यू। अब देखिए यू के साथ में क्या है, आई के साथ में एम आता है तो यू के साथ में। अब देखिए ही क्या है, सेड है, ये पास्ट टेंस है तो आगे भी क्या रहेगा, पास्ट टेंस में आएगा तो यू वर, यू के साथ में क्या आएगा, वर लर्निंग। अब देखिए आई की पोजेसिव क्या है, माई है तो यू की पोजेसिव क्या हो जाएगी, यू की पोजेसिव क्या होगी, योवर, योवर लेसन, योवर लेसन्स। ओके तो देखिए दोबारा सुन लीजिए, यू सेड दैट यू वर लर्निंग योवर लेसन्स। समझ में आ गया सबको। सेकेंड आपका सेंटेंस, डायरेक्ट का सेंटेंस है, राम सेड टू हिम, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, हिम दे रखा है आपको, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब देखिए राम हम चेंज करते हैं, राम सेड टू का किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड हिम, राम टोल्ड हिम डेट। अब ये इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्या जाएगा बेटा यहाँ पे डेट। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हिम, तो हिम का किसमें चेंज होगा यहाँ पे, ही, क्या आएगा ही। अब देखिए ही यू के साथ में तो आ रहा है तो ही के साथ में क्या आएगा, वो आएगा, क्योंकि क्या है पास्ट टेंस में है सेंटेंस, तो आगे भी हमें पास्ट टेंस में रखना होगा, इंपॉर्टेंट स्पीच भी, तो क्या जाएगा यहाँ पे वॉज, क्या आएगा वॉज, वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। समझ में आ गया कि राम टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, या आपको ऐसे ही क्या करने हैं, सेंटेंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।